मेरे लोग ने सोचे मोती पर खिंडी की लड़ी लड़ी कौन कोई कस्बी जमे जड़ा करी दिया सब एक लड़ी उन्हां तक ये भोले पंछी फाइए बिच घेरे फसते इंदी साध इनेगी डंगी चूक बनी है घड़ी घड़ी। बाबू जी की जो कहानी बताई है और मैं रियासी के लोगों से खासकर ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को खुद भी आना चाहिए और अपने जो बच्चे हैं खासकर उनको ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि जो कहानियाँ यहाँ पे बताई जा रही हैं वो हमारे देश से, हमारे प्रदेश से और हमारे डोगरा समाज से जुड़ी हुई हैं। प्रतिष्ठा पहले चर्चा पाना ठीक नहीं है। ठीक है बापू, उसकी देना दोष ते दसो उसकी खाका। भाईचारे ने चाचे की मुख्तार बनाया, भाईचारे ने उन्हें दिता जो उन्हें चाहिए। जिसने तुम्हें बापू जी की हत्या की थी वो चाचा उस पुलो सौ बारी, पर मैं कदे नहीं भूलती। मेरे अंदर बिस सदा रहती है भूल की, दा लगा ता ऐसा सबक सिखाना, सदिये तक चेता रखो कल जमाना। आज पाठ नहीं चलता बिना तजर्बे रानी, मनो मेरी गल ते छोट नजारा। मंडी मैं भी कोई गल छट नहीं हां, तुंदा मन है तुंदी मर्जी, मैं भी आखी सजना रानी ना पक जाखन हल्दी नहीं करनी कोई माने। मकान लगी पे मीए मोटे दी मुक्तारी, रानी बंदना लीगी रास नहीं आई, जागी पई अंदर मकारी, चाले ऊपर चार चलाए उसकी संधि दा कम नहीं हां। जब आके कुछ मुक्तारी दा भाईचारे दी मनमर्जी दा, मियां मोटे दी सरदारी दा, पर टीटोगी अपना नहीं हां। उसकी फिक्र हां इस पर नहीं दा, उसकी गैरत की ललकार है, खून खोलदा हां छाती दा, गैर कोई इस पर दी आई है, साडे ऊपर हुकम चलाई लड़ना के मरी जाना चंगा, सरदी दी खातर जीना ते इससे भी खातर मरना। टीटो ने ए लिया त्याई लोरी इच्छा बड़े नहीं देने, जान चली जा जंदी है ता खिना के ऊपर चढ़न नहीं देने, टीटो ने ए प्रण पाई लेता जीना जे चल शान दे कन्ने, अरे नहीं होना कुसा दे आगे तुम्हें जीन गुलामी दा नहीं पाखा, साड़ी रख्या इन अनख है ते साड़ा जिगरा है रखा, भगवत गुरु आजा देश दे खुले दास दुआरी करने, मन मर्जी दे आस मालक जो मन आवे पूरे करने। आयोजकों को संगम थिएटर जो रियासी से है और डोगरा नाटक मंच जो जिन्होंने नाटक किया यहाँ पे मियाँ डीडू जी का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सारा मंचन किया है, मैं सभी कलाकारों को बधाई दूंगा जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से मियाँ डीडू जी की जो कहानी बताई है। और मैं रियासी के लोगों से खासकर ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को खुद भी आना चाहिए और अपने जो बच्चे हैं खासकर उनको ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि जो कहानियाँ यहाँ पे बताई जा रही हैं वो हमारे देश से, हमारे प्रदेश से और हमारे डोगरा समाज से जुड़ी हुई हैं और वो इसलिए बताई जाती हैं कि हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पता चले। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सभी लोग यहाँ पर आएँ, कल लास्ट दिन है, कल का दिन ज़रूर आएँ और देखें कि किस तरह से एक बेहतरीन तरीके से इसको आयोजित किया गया है और जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं वो सभी खुश होकर यहाँ से निकल रहे हैं कि हमारे एक तो रियासी में इतना बढ़िया ऑडिटोरियम बना है और संगम थिएटर द्वारा जो ये प्रस्तुति दी जा रही है, आयोजित किया गया है। मैं उनके सभी आयोजक शादाब खान जी हैं, अक्रम सर हैं, जहाँ इनके साथ और भी जितने साथी हैं, मैं सबको
बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इसके लिए। क्योंकि चार दिन हो गए ये फेस्टिवल चलते हुए, तो पहले भी काफ़ी भीड़ रही है यहाँ पे, आज शायद कोई मैच है इस कारण लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन कल का दिन आखिरी दिन है और सभी को आके देखना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से इसको आयोजित किया गया है और पूरे जम्मू कश्मीर से कलाकार आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है, तो लोगों को आना चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके बॉलीवुड तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। आज की डेट में अगर आपने मतलब अपनी स्टेट में भी अगर परफॉर्म करना हो तो वहाँ पे मौका नहीं मिलता है, और अगर बॉलीवुड में मौका मिल रहा है लोगों को, तो ऐसे लोग हमारे रियासी में आ रहे हैं तो हमें ज़रूर उनके साथ आके मिलना चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए। जिहड़ा ये नाटक खास करिए अज जिहड़ा खेडिया गुमट मैदान 1808 ये हिस्टारीकल पृष्ठभूमि पर नाटक हा, अज कोला तकरीबन 200 साल पुरानी गल है, हिस्टारीकल गल है, और तुस देखगे हो ये हिस्टरी च दर्ज ने एकड़ियां गल्लां कि जम्मू च जम्मू दे डोगरे जड़े उन्हें कदें भी बाहरी हुकूमतें गी बाहरी ताकतें गी अपने लागे फड़कन नहीं दिता, फाके रहे बेशक ओ और फाके लगे उन्हें गी ऐसी कोई गल नहीं, पर उन्हें फाके झले, पर उन्हें बाहरी ताकतें गी जेहड़े हमलावर हे किन्ने बारी इत्थे हमले होए उन्हें उंदा मूंह तोड़ जवाब दिता, छड़ा जवाब नहीं दिता उनेंगी नसाया। एक गुमट मैदान 1808 भी उंदे जगह एक है जिथें हजारें की तादाद च लौरी जड़े जिहड़ियां फोर्सेज हियां वो अल्ट्रा मॉडर्न उस वेले दे वैपन लई आ जिहड़ियां तोड़ेदार बंदूकां ये तलवारें कन्नै लड़ा करदे हे, उसके बावजूद उनेंगी उन्हें नसाया, उत्थों दा मारिए नसाया, ये सारे कोला वड्डी गल है। और डीडो जिन्हें सूरमा साढ़े कोल हा जिन्हें हजारें की तादाद च लोरी फोर्स जोड़े जदों भी वो आते हे उनके कन्नै वो लड़ता हा उन्हें नसांदा हा, यह सारिया गल्लां जिहड़ियां हियां। और दूई गल ये इलाका साढ़ा जिहड़ा पूरा डुगर समस्त डुगर ये डोगरें दा है, बाकी भी साढ़े प्यारे न सारे गै, पर डोगरें की मारी है, डोगरें की भाषा की मारी है। जेकर कोई आखे कि नहीं जी तुस असेंगी इ'यां बिल्कुल बेचलै बाड़ी आखदे, बेचलै बाड़ी है, बेचलै बाड़ी है ते साढ़े पर हुकूमत करना चाह जां असें साढ़े पर रोह पाना चाह, ते असेंगी सोचना चाहिदा बाकायदगी कन्नै। एह नाटक उ'ऐ संदेश दिंदा, उ'ऐ सुनेहा दिंदा कि भाई भाशा पर हमला जिहड़ा है ओह गुलाम बनाने वाला हुंदा है, अज भाशा पर हमले होआ करदे न, साढ़ी होंद उप्पर हमले होआ करदे न, उनेंगी दिखो और इतिहास का दिखो कि केह चीज़ां साढ़े सामने न। मेरे लोग ने सोचे मोती पर खिंडी की लड़ी लड़ी, कौन कोई कस्बी जमै जड़ा करी दिया सब एक लड़ी, उना तक ये भोले पंछी फाइए बिच गे रेह फसते, इंदी साध इनेंगी डंगी चूक बनी है घड़ी घड़ी। अस बड़े भोले लोग हाँ, लायल लोग हाँ, ईन अणख दे पक्के हाँ, पर पिछले केइयें बरें थमां साढ़े जिहड़े उस शराफत का उस भोलेपन का एक नजायज़ फायदा लैता जा करता है, उस दे आस्ते असेंगी जरा कट्ठे होने की सोचने की जरूरत है। इन्ना गै सुनेहा यह नाटक भी दिंदा। देखो जी कि साड़ी एक पहली कोशिश ही है कि रियासी च अस ए ऐसा जड़ा है फेस्टिवल जड़ा है वह करचे, कि के असें पहला फेस्टिवल जड़ा 2015 च कीता हा डाइट दे ऑडिटोरियम च, और उस वेले काफ़ी लोग आए, अच्छा लग्या, पूरा हाल फुल हुंदा हा और वो फेस्टिवल जड़ा है कीता गया। उसके बाद जिसले असें देखिया कि वो भी ऑडिटोरियम जड़ा है इन्ना कामयाब नहीं रहा, तो दूसरे साल जोले असें सैकंड थिएटर फेस्टिवल लगे करन ते वो साढ़े कोई हाल नहीं हा कोई, और ज्योतिपुरम विच करने की कोशिश की थी ते उत्थे भी ऐसा लग्या कि इत्थे ऑडियंस जड़ी है बड़ी घट हो जानी है। लेकिन असें केह कीता कि असें डिसाइड कीता साढ़े मैंबरें कि वो फेस्टिवल अस जम्मू जड़ा है अभिनव थिएटर च करचे, तो असें अभिनव थिएटर च कीता। इ'यां के थर्ड थिएटर फेस्टिवल कीता वो भी असें जम्मू कीता। एक अपनी सोच ही कि एक अच्छा ऑडिटोरियम है साढ़े कोल, साढ़े अपने रियासी दे आर्टिस्ट इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्हें नैशनल लैवल पर पार्टिसिपेट किया, और जोड़ा अकैडमी द्वारा जोड़ा फेस्टिवल करवाया जाता वो बड़े ज़्यादा अवार्ड वगैरह भी ले, तो अस साड़ी एक सोच ही कि रियासी की जनता की ना साढ़े लोगों का काम दिखे, इस करिए असें डिसाइड किया कि साढ़े को एक ऑडिटोरियम भी है अच्छा है, ते असें इस जगह के वो फेस्टिवल जड़ा है वो करना चाहिए।